अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू फोर स्टार किचन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह सुबहाना ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। रात को मैंने दावत का एहतमाम किया हुआ था, गेस्ट आए हुए थे और काफ़ी मज़े की दावत थी। और मटन कढ़ाई मैंने बनाया था, जिसमें से काफ़ी ज़्यादा ये मसाला वगैरह उसमें बच गया है। बहुत ज़्यादा मसाला है इसके अंदर, तो अब इसको वेस्ट नहीं करेंगे। इसमें आप कोई भी वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं, सब कुछ इसके अंदर है। ऑयल तक हर चीज़ इसमें, मसाला गरम मसाला तक सब कुछ है। तो बड़े मज़े का ये इसमें खाना बनता है, ये अगर बचा हुआ हो हर, क्योंकि सारे लवाजमात तो इसमें हैं। तो मैं इसमें घिया ऐड कर रही हूँ, तकरीबन 700 ग्राम घिया है मेरे पास, जिसको मैंने अच्छी तरह से पील करके इस तरह से काट लिया है। और कुछ भी ऐड नहीं करूँगी, कोई मसाला जात नहीं जाएंगे इसमें। और चले जी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी हमारा बॉयल होने वाला है, देखें, और इसमें घी ऐड कर देंगे, हाफ टी स्पून बस इसमें नमक जाएगा और हाफ टी स्पून मैं इसमें हल्दी ऐड करूंगी, और कुछ भी ऐड नहीं करूंगी। उबाल आएगा तो फ्लेम मैं मीडियम कर दूंगी और ये पकता रहेगा, ये गल जाएगा अच्छी तरह। फिर इसको मैश करके हैंड मैशर से ये सारे मसाले इसमें ऐड कर दूंगी। बस ये बहुत मज़े का सालन बन जाएगा। और कोई प्याज नहीं, कोई टमाटर नहीं, कोई चीज़ नहीं, क्योंकि सब कुछ इसमें है। ये मसाला बहुत ज़्यादा इसमें बचा हुआ है। तो इसके बाद फिर आपको मैं फाइनल लुक दिखाती हूँ इसकी। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारे घिया कद्दू की फाइनल लुक है। इतना मज़े का बनाया ना, बहुत ही ज़्यादा मज़े का। मसाला काफ़ी ज़्यादा था और कुछ भी उसमें मैंने ऐड नहीं किया, ना कोई गरम मसाला, ना कोई, बस धनिया ऊपर से थोड़ा सा डाल दिया और सब्ज़ मिर्चें, और कुछ भी नहीं। इतना टेस्टी, यकीन करें बने। आप भी ऐसे ही कीजिएगा जब कभी मसाला ज़्यादा बनाओ, क्योंकि इतने ज़्यादा टमाटर थे, अदरक लहसुन प्याज हर चीज़, तो वो इतना ज़्यादा था ना मसाला बचा हुआ, तो उसके अंदर मैंने कद्दू डाल दिया और वो मज़ा जो है दोबाला हो गया। आप भी ऐसे कीजिए और मुझे दुआ में याद रखिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। और मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द मज़ेदार सी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह निगेबान।